तेलंगाना में सूर्योदय दूर नहीं है, तेलंगाना का अंधेरा दूर होगा, तेलंगाना में हर तरफ कमल खिलेगा। साथियों, बीजेपी का तेलंगाना के साथ बहुत पुराना और गहरा नाता रहा है। 1984 में जब हमारी पार्टी को लोकसभा में सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी, उनमें से एक इसी राज्य की हनमकोंडा सीट थी। हमारे जंगा रेड्डी जी जीत करके आए थे। तेलंगाना के लोगों ने सबसे मुश्किल समय में, जब हमारे बहुत बुरे दिन थे, तब भी तेलंगाना ने हमारा साथ नहीं छोड़ा था। तब तेलंगाना के कार्यकर्ताओं ने जो तब किया, उसी के कारण आज बीजेपी लोकसभा में 300 से अधिक सीटों की पार्टी है। आज तेलंगाना की जनता बीजेपी को तेलंगाना की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए भी मन बना चुकी है। साथियों, 21वीं सदी का भारत अपनी विरासत को संजोते हुए, आधुनिकता को अपनाते हुए तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यह शहर तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किला है, किला। जब मैं देखता हूं कि इस आधुनिक शहर में अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो बहुत दुख होता है। ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना की सरकार ने अंधविश्वास को राज्याश्रय दिया हुआ है। यहां तेलंगाना में अंधविश्वास के नाम से क्या क्या हो रहा है, ये पूरे देश को, देश के लोगों को जानना चाहिए। कहां रहना है, किस दफ्तर में जाना है, किसे मंत्रिमंडल में रखना है, मंत्रिमंडल कब बनाना है, मंत्री में से किसको निकालना है, ये सारा अंधविश्वास तय करता है। तेलंगाना का विकास करना है, उसे पिछड़ेपन से निकालना है, तो हमें सबसे पहले यहां से हर तरह के अंधविश्वास को दूर करना होगा। भाइयों, आज मैं देख रहा हूं तेलंगाना में सुशासन और तेज विकास की आकांक्षा कितनी प्रबल है। अब तेलंगाना के लोग एक परिवार के बजाय तेलंगाना के हर परिवार के लिए काम करने वाली सरकार चाहते हैं, भाजपा की सरकार चाहते हैं। तेलंगाना की जनता फैमिली फर्स्ट के बजाय पीपल फर्स्ट की राजनीति चाहती है। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने आह्वान किया है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये विकास के, लोकतंत्र के, सामाजिक न्याय के
सबसे बड़े दुश्मन है। आज मैं तेलंगाना में भ्रष्टाचार और परिवाद के विरुद्ध जो जनाक्रोश है, जनता जनार्दन में जो गुस्सा है, नौजवानों में जो गुस्सा है, वो आज हिंदुस्तान देख रहा है। और मैं आज तेलंगाना की जनता को आश्वस्त करता हूं, मैं आज तेलंगाना की जनता को आश्वस्त करता हूं, गरीब के ओ लूटने वालों को, गरीब को लूटने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। आज आपने देखा होगा कुछ लोग कार्रवाई से बचने के लिए एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना की जनता, देश की जनता ये देख भी रही है, समझ भी रही है। साथियों, भ्रष्टाचार और परिवारवाद गरीब का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद विकास का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसलिए भाजपा भ्रष्टाचार और परिवारवाद दोनों से लगातार मोर्चा ले रहा है। भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप याद करिए, पहले राशन की दुकानों में कैसे गरीबों का राशन लूटा जाता था। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति का उपयोग करके करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को हटा दिया। अब सरकार का बेनिफिट सीधे गरीब के बैंक खाते में पहुंचता है। अब केंद्र सरकार की अधिकतर सुविधाएं ऑनलाइन है, इससे घुसखोरी की आशंका कम हुई है। आज भीम यूपीआई के कारण देश में कैश लेन देन की मजबूरी कम हुई है। जब पेमेंट भी ऑनलाइन होती है तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम हो जाती है। आखिर सरकार और जनता के बीच बिचौलियों की क्या जरूरत है भाई? सरकार सीधे जनता तक पहुंचे और जनता सीधे सरकार तक, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी का ब्रिज बनाया है। तेलंगाना में भी भाजपा ऐसा ही भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए तैयार है।